और ये जो सीढ़ी उतरते हैं ना भाई, हफ जाते हैं पूरे। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर्स पुनीत फैजाबाद रोड, और यहाँ हम ड्राइव करने वाले हैं आज हैरियर, नई वाली हैरियर। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है। और नीचे क्योंकि पानी था तो वही मैं देख रहा था जी। आप ही क्या चल है? हम यहाँ भैया हैरियर देखने आए थे, लेकिन ये नेक्सॉन देखो यार, ये कलर में कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ से लुक देखो, जब नीचे से बंदा देखता है ना इस पोजीशन से, भाई क्या सेक्सी लग रही है गाड़ी। एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ फटाफट, अगर हो सकेगा तो इसको भी चलाने की कोशिश करेंगे। एक बार अंदर से देख लो भाई, प्रीमियमनेस देख लो यार, टॉप क्लास गाड़ी लग रही है। एक बार बैठ के भी देख लेते हैं। ओ भाई ऑसम फील है भाई, फील है। और लेकिन यार ये सब मैनुअल है, ये टॉप मॉडल है या पता नहीं। ये पोजीशन होती है मेरी ड्राइविंग की, और ये ऐसे आएगा है यार, सॉलिड फील है। ये टॉप मॉडल है क्योंकि बड़ी वाली स्क्रीन है, यहाँ पे सनरूफ है, छोटी वाली, बड़ी सनरूफ नहीं है, छोटी वाली सनरूफ है। अगर हो ये ख़राब लगता है बस इसका, कि अजीब सा दिखता है ये। यहाँ पर ये थोड़ा प्लेन प्लेन दिख रहा है। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, ये सब टच है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, अगर ये इसको भी ड्राइव करने का मौका मिलेगा तो ये भी ड्राइव करके देखेंगे। और हैरियर ड्राइव करने अब जा रहे हैं, अभी भैया थोड़ा फ्री हो जाए, उसके बाद हम लोग अभी ड्राइव करेंगे हैरियर। और ये अपने सामने हैरियर खड़ी है, लेकिन यार उसको उस कलर में देखने के बाद मुझे ये थोड़ी सी फीकी लग रही है। इसमें भी एक बार बैठ के देखते हैं अगर ये खुली है तो। हाँ ये ओपन है, एंड इसमें भाई ये फीचर है कि ये भी टच मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड एक बार बंद करके थर्ड सुनो, गजब मस्त है भाई। और ये मेमोरी सीट्स है इसमें, शायद ये मुझे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया इसने, बट मेरा पैर अभी भी यहाँ लड़ रहा है जिसके कारण मुझे पीछे करना पड़ेगा हल्का सा सीट। हाँ अभी भी, लेकिन ये हल्का से लड़ रहा है, ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हुई नहीं है, ये लड़ रहा है। जब भी मैं क्लच प्रेस करने जाऊँगा ये मेरा यहाँ लड़ रहा है, देखो जैसे ये मैंने क्लच किया, जब दबा दूंगा तब नहीं लड़ेगा, लेकिन जैसे छोड़ा मैंने, ये देखो यहाँ लड़ रहा है, जबकि मेरी ड्राइविंग पोजीशन तो यही होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम अभी भी इसमें सॉल्व नहीं हुआ है। बट ये लीवर पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं है, बट इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स हैं, पैनारोमिक सनरूफ है। एक बार खोल के देखते हैं, ये पूरा पीछे तक सनरूफ गया, तो इसको बंद कर देते हैं भाई। और इसको अभी जब ड्राइव करेंगे तब देखते हैं। और ये वन क्लिक ओपन, वन क्लिक डाउन, लेकिन अच्छा इसका ब्लाइंड फोल्ड भी अपने आप ही आ जाता है, आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। वो देखो वो अपने आप आ रहा है, ओके। बाकी क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है तो पीछे स्पेस का कोई इशू नहीं है, और पीछे की सीट बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है लेकिन परफेक्ट है। रिक्लाइन कर सकते हैं? नहीं, फिक्स कोई रिक्लाइनेबल नहीं है। और देखो थर्ड सुनो, वेलकम फीचर है सर। अभी जब ड्राइव करेंगे इसको तब बात करते हैं पूरी कम्प्लीटली। ये हैरियर अपने को आज ड्राइव करके चेक करनी थी, बट अभी इसकी बैटरी डाउन हो गई, किसी ने इसका इग्निशन ऑन करके छोड़ दिया, जिस कारण इसको चला नहीं पा रहे हैं। ये है जी अपनी नेक्सॉन, जो कि कलर हमें पसंद आई थी। चलो एक बार चला के देखते हैं। डीजल मैनुअल एंड वेंटिलेटेड सीट्स, एक बार सेटअप कर लेता हूँ अपने हिसाब से, फिर चला के देखते हैं। ये अभी नेक्सॉन चल रही है थर्ड गियर में स्पोर्ट्स मोड, और एक बार खींच के देखते हैं। हैंडलिंग का भी अभी पता पड़ने वाला है। चलने में तो बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग इसकी देख लो, सस्पेंशन भाई जो टच देते हैं वही सब बहुत तगड़े दिख रहा है भैया। नहीं 10 मिनट, 5 से 10 मिनट हम फ़ोन में नहीं देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा हम फ़ोन में देख रहे हैं। हाँ फिफ्थ गियर
गियर लगाते हैं, लेट्स गो। लग ही नहीं रहा कि 100 और 104, 105 ऐसे 100 के ऊपर है। देखो भाई, इस कलर में ये गाड़ी मुझे सेक्सी लग रही है, बाकी कलर का मैं कुछ कह नहीं सकता। और भागने में भी बहुत तगड़ी है, स्टेबिलिटी है गाड़ी में, सबसे मेन जो होता है स्टेबिलिटी, वो तो बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में और मुझे बहुत पसंद आई है। बाकी देखते हैं, अगर हैरियर चलाने को मिलता है तो ठीक। हाँ जी, तो हमें नेक्सॉन क्योंकि पसंद आ रही थी तो हमने नेक्सॉन चलाई और बहुत ही स्टेबल गाड़ी है जैसा कि मैंने बोला। लेकिन मेन कंसर्न बस कि हैरियर चलानी है आज एंड उसका ड्राइव एक्सपीरियंस आज आप लोग से शेयर करना था, बट किसी कारण आज वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो भैया ने मुझे बोला है कि जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी वो मुझे कॉल बैक करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अभी 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट में अभी गाड़ी चालू हो जाएगी, उसका बैटरी नया डाल रहे हैं उसमें ये लोग, लेकिन मेरे पास टाइम है नहीं। तो परसों देखते हैं, परसों फ्लैट पे ही बुला लेंगे और वहीं आ जाएंगे, तो वहीं से हम लोग चला के आपको उस पर पर्टिकुलर एक प्रॉपर वीडियो ही बना लेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल बना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मैं दोबारा फ्लैट पर जा रहा हूँ और तैयार हो के निकल रहा हूँ उन्नाव के लिए।